हेलो गाइस, वेलकम टू लक्ष्मीज फूड वर्ल्ड। आज हम जो रेसिपी आप सबसे शेयर करने वाले हैं वो है कोरियन पटेटो स्टिर फ्राइड। इसे खमजा भुक्कम भी कहते हैं। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं। ये डिश मेरी बेटी बना रही है, उसे कोरियन क्विजीन काफ़ी पसंद है। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं। सबसे पहले हम आलू लेंगे। आलू को स्लाइस में कट कर लेंगे। अप्रॉक्स 3 आलू हम लेंगे। इसी तरह पतला पतला स्लाइस में हम कट करेंगे। जब इस तरीके से एक बार हम कट कर लेंगे तो इसे एक बार और पतला पतला स्लाइस में कट करेंगे, बिल्कुल इस तरह से। आलू स्लाइस में कट चुकी है, इसी प्रकार से हम गाजर भी कट करेंगे। गाजर को भी इसी तरीके से स्लाइस के रूप में हम कट कर लेंगे। जैसे मैं कट कर रही हूँ उसी तरीके से आप भी कट करिएगा। यहाँ पर मैंने एक गाजर का यूज किया है। बस एक बात का ध्यान रखिएगा कि स्लाइस जो भी आप काटें वो लंबे आकार में काटें। अभी गाजर की एक बार और पतली स्लाइस करेंगे, बिल्कुल इस तरह से। गाजर कट गई है, अब मिर्ची काटेंगे। मिर्ची की डंठल हटाएंगे और इसे भी हम पतला पतला काटेंगे। कोरियन लोगों को काफी तीखा पसंद होता है, तो अगर आप ज्यादा तीखा नहीं खाना चाहते हैं तो आप इसकी भी कर सकते हैं, यानी मिर्चा आप कम डाल सकते हैं या बिल्कुल भी स्किप कर सकते हैं। बिल्कुल इसी प्रकार से हम बारीक बारीक मिर्ची काटेंगे। एक प्याज लेंगे, प्याज को हम रफली चॉप्ड कर लेंगे। ये डिश खाने में बहुत ही टेस्टी लगती है, तो फ्रेंड्स आप लोग इसे बनाइएगा जरूर, बनाकर खाइएगा। उसके बाद कमेंट सेक्शन में जाके मुझे कमेंट करके बताइएगा आपको मेरी रेसिपी कैसी लगती है। मेरी बेटी BTS की बहुत बड़ी फैन है, इसीलिए वो कोरियन डिशेज में इंटरेस्ट लेती रहती है और ट्राई भी करती रहती है। तो अगर आप लोगों को भी पसंद हो तो आप लोग भी ट्राई करिएगा। स्पेशली जो लोग वेगन हैं वो लोग इस डिश को जरूर ट्राई करें, क्योंकि कोरियन वेगन मिलना काफ़ी मुश्किल है। अब हम एक कढ़ाई लेंगे। कढ़ाई में एक बड़ा चम्मच कुकिंग ऑयल लेंगे। आप जो भी कुकिंग ऑयल इस्तेमाल करती हैं आप वही लीजिएगा। जब तेल गरम हो जाएगा तब इसमें चॉप्ड किए हुए प्याज और गाजर को ऐड करेंगे। और एक छोटा चम्मच गार्लिक डालेंगे। इन
सभी चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर देंगे और पकाएंगे। गाजर और प्याज सबसे पहले इसलिए डालेंगे कि अगर हम आलू पहले डाल देते तो आलू पकड़ने लगता, इसलिए मैंने गाजर और प्याज पहले डाला है। आप देख सकते हैं कि गाजर और प्याज काफ़ी मुलायम हो चुकी है। अब हम इसमें चॉप्ड किए हुए यानी स्लाइस किए हुए आलू भी डालेंगे और अच्छे से मिक्स कर देंगे और आलू के ऊपर एक छोटा चम्मच तिल का तेल डालेंगे, इससे फ्लेवर बहुत ही अच्छा आता है। कोरियन डिशेज में तिल का तेल पड़ता है इसलिए मैं डाल रही हूँ, लेकिन अगर आपके पास नहीं है तो आप इसकी भी कर सकते हैं। आलू भी काफ़ी मुलायम हो चुकी है। अब इसके ऊपर कुटी हुई काली मिर्च ऐड करेंगे, वो भी छोटा चम्मच। बस एक बात का ध्यान रखिएगा कि फ्लेम को आप लो पर रखिएगा, का ध्यान रखिएगा कि इसको आपको लगातार चलाते हुए पकाना है, ढककर बिल्कुल भी नहीं पकाना है, तभी इसके स्लाइसेस अलग अलग दिखेंगे। अब इसमें थोड़ा सा नमक ऐड करेंगे, नमक आप अपने टेस्ट के अनुसार ही ऐड करिएगा। यहाँ पर वैसे मैंने आधा चम्मच नमक का यूज किया है, लेकिन अगर आप तेज खाते हैं तो थोड़ा सा और मिला सकते हैं। नमक डालकर अच्छे से मिक्स कर देंगे और फिर भी चलाते रहेंगे। एक बार और तिल का तेल डालेंगे और फिर अच्छे से मिक्स कर देंगे। अब इसमें बारीक कटी हुई मिर्ची ऐड करेंगे, जो मैंने बारीक बारीक कट करी थी। मिर्ची को भी अच्छे से मिक्स कर देंगे और इसे भी अच्छे से हम पका देंगे। आप देख सकते हैं कि कितना बढ़िया कलर आया है। और ये देखिए फ्रेंड, हमारी कोरियन पोटैटो स्टीर फ्राई बनकर तैयार हो गई है। तो मेरी आज की रेसिपी आप सबको कैसी लग रही है? अगर आपके लिए थोड़ी भी हेल्पफुल हो तो मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट रेसिपी के साथ। थैंक यू।